मूविंग ऑन टू रोहित जी, केप्रिकॉन यानी मकर लगन। अब मकर लगन वालों के लिए रोहित जी तीसरे घर में आके बैठेंगे राहु। अब तीसरा घर राहु के लिए बहुत अच्छी जगह माना जाता है, और जो भी बड़े बड़े क्रिकेटर होंगे या बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन होंगे या बड़े बड़े रेसलर्स है और बड़े बड़े काफी जिनको जो लोग बहुत ज्यादा पराक्रमी है, फाइटर्स है, ऐसे लोगों का राहु देव थर्ड हाउस में होना या मंगल देव का थर्ड हाउस में होना एक इंडिकेटर होता है कि ऐसे लोग स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करेंगे। ऐसे लोग काफी ज्यादा एंथुजियास्टिक होंगे टुवर्ड्स फिटनेस। लेकिन यहाँ पर भी रोहित जी डिस्क्लेमर है, समझो 9th हाउस में बैठ गए शनिदेव और उन्होंने दृष्टि डाल दी तो वो चीज में स्लो कर देंगे, स्पोर्ट्स में इसमें स्लो कर देंगे, उनको उसमें प्रॉब्लम कर देंगे। वहीं मंगल देवता बैठ गए तो ऐसे लोगों को 9th हाउस में बैठ के एस्पेक्ट कर दिया उन्होंने 7th, ऐसे लोगों को स्पोर्ट्स में इंजरी ऐसी हो जाएगी जो रिकवरेबल नहीं होगी। सुरेश जी, इसे बहुत सारी चीजें हैं, डिपेंड करता है आपके नेटल चार्ट के ऊपर भी कि किस तरह से कौन सा प्लेनेट कहाँ देखकर किस तरह से वो आपको इम्पैक्ट डाल रहा है आपकी लाइफ में। यहाँ पर आपके थर्ड हाउस में बैठकर ये आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहैंस करने की के लिए आपसे डिमांड करेगा, और उसी तरह से कोई ना कोई अचानक से यूनिक करियर अपॉर्चुनिटी लेके आएगा जो आपके पर्सनल इंटरेस्ट से जुड़ा होगा, क्योंकि थर्ड हाउस पर्सनल इंटरेस्ट का भी घर है। अगर आपने कम्युनिकेशन सही रखी तो इस समय में आपको धन लाभ भी होने के चांसेस है, आपको पैसे का इनकम कहीं ना कहीं से आपकी इंक्रीज हो जाएगी। वहां पर ही इंक्रीज इनकम मतलब इंक्रीज एक्सपेंसेस ऑल्सो, इसलिए आप अपने एक्सपेंसेस पर कंट्रोल करें, भावनाओं में आकर ना बहे, भावनाओं में बह के कंट्रोल आपके फाइनेंसेस पर करें, और अपने आप को टारगेट दे, अपने आप को गोल ओरिएंटेड बनाए इस समय पे कि यार मैं गोल बनाता हूँ कि किस तरह से मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ पर आपका करियर के लिए आपके नेटवर्क और कनेक्शंस बिल्ड करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपको एकदम अचानक से यूनिक करियर अपॉर्चुनिटीज लेके आएंगे। तो आप अगर इंट्रोवर्ट है, आप अंदर ही अंदर अपने आपस में रहना चाहते हैं या करते हैं, तो इस समय पर आपको थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट होने की जरूरत है, एक्सट्रोवर्ट साधना की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको सोशली थर्ड और सोशल नेट आपके पड़ोसी अड़ोस पड़ोस के लोगों से, आपके सोशल मीडिया पे जो लोग हैं उनसे, क्योंकि अभी तो कलयुग है भाई, सोशल मीडिया का जमाना है, पहले नेबर होते थे, अब नेबर हमारे बस एक क्लिक पे कि हाँ भाई क्या हाल है, वो उधर US से 15,000 किलोमीटर दूर से लिख रहे हैं हाँ भाई सब ठीक है विद इन सेकेंड्स। तो हमारी कम्युनिकेशन इतनी इजी कर दी राहु देवता ने। यहाँ पर जो लोग केप्रिकॉन एसेंडेंट यानी मकर लगन के हैं और इस समय पर रिसर्च रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं कम्युनिकेशन और आईटी में, उन लोगों को मेजर ब्रेक थ्रू मिलने के चांसेस है, बहुत अच्छे ब्रेक थ्रू मिलने के चांसेस है, तो आप अपनी कोशिश करते रहिए। तीसरा घर रोहित जी छोटी मोटी यात्राओं का और सिबलिंग्स का भी घर है, तो इस समय पर छोटी मोटी यात्राएं, अगर आपका समय ठीक चल रहा है तो फेवरेबल होंगे, अगर समय खराब चल रहा है तो फेवरेबल नहीं होंगे। और उसी समय पर अगर आपको आपको सिबलिंग्स के साथ थोड़ी अनबन हो गई है तो आप प्लीज इस समय पर अपने आप को या उनके साथ मिलकर एक नई नया शुरुआत करने की कोशिश करें, इससे भी राहु देव के लिए बहुत बहुत आपको कृपा मिलेगी। अगर रोहित जी एक और बात मैं केप्रिकॉन यानी मकर लगन वालों को ये कहना चाहूंगा कि मैं इसके बाद एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं उपाय दूंगा स्पेसिफिकली मकर लगन वालों के लिए और तीसरे घर में राहु अगर है तो किस तरह के उपाय आपको करने चाहिए, जिससे लॉजिकली भी आपको उसमें बेनिफिट लगेगा, सीखने भी मिलेगा, और कहीं ना कहीं अगर वो उपाय करेंगे तो आपको रिजल्ट्स भी देखने मिलेंगे। और राहु के उपाय करने से, शनिदेव के उपाय करने से रिजल्ट्स थोड़े धीरे धीरे मिलते हैं, राहु के उपाय करने से रिजल्ट्स अचानक से तुरंत मिल जाते हैं। सो होपफुली आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपके लिए वो वीडियो भी बेनिफिशियल रहेगी। बाकी आपका प्यार, आपकी कृपा, आपका प्रेम, आपका स्नेह, आपकी आशीर्वाद, आपका जुड़ाव, आपका हमारी हम तो देखो ऑनलाइन है, हम कौन सा एक दूसरे के सामने, पर आप फिर भी ऐसा महसूस होता है आपके कमेंट्स देखने के बाद कि वी आर वेरी मच टुगेदर एंड एक दूसरे के साथ हम खड़े हैं। हम कोशिश करते हैं हर कमेंट को रिप्लाई करें, पर अगर बाय चांस कभी हमसे मिस हो गया तो उसके लिए हमें क्षमा करे, माफ करे, टीम कभी कभी प्रॉब्लम में आ जाती है तो रिप्लाई नहीं कर पाती। रोहित जी लेकिन आप जरूर सबको बता दीजिए हमारे नए इनिशिएटिव के बारे में, हमारे नए कोर्स के बारे में, अगर कोई लोग इनका लाभ लेना चाहे तो ये डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है इनकी इन्फॉर्मेशन, और इसके अंदर आपको और क्लैरिटी के साथ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जी, मुझे लगता है ये फास्टेस्ट ग्रोइंग जिसे कहते हैं ना, आईपीओ आता है मार्केट में, हाथों हाथ चले जाते हैं,
ये फास्टेस्ट ग्रोइंग जो है वो आईपीओ की तरह हो गया है, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे थे ना 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 करते करते 3 दिन पहले हमने सोचा कि ये करेंगे, और जैसे ही हमने इसे अपलोड किया सोशल मीडिया पे डाला, आप यकीन माने हमें लग रहा था यार ठीक है कुछ पहले 4-5 लोग आएंगे तो शुरू कर देंगे, धीरे धीरे बढ़ जाएगा, बट यू कांट इमेजिन मेल बॉक्स और व्हाट्सएप भर गया इस चीज से कि हमें भी इनरोल करना है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया चाहूंगा आप सब लोगों को, करना चाहूंगा, क्योंकि देखिए आप सब इतना प्यार दे रहे हैं। सारी डिटेल स्क्रीन पे दी गई है, मेल आईडी है, व्हाट्सएप नंबर है, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी डिटेल्स भेजें, आप इनरोल हो कोर्स के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो फर्स्ट ग्रुप बनेगा उसे आकाश जी के साथ फ्री कंसल्टेशन मिलेगी। आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि आकाश जी की कंसल्टेशन फीस क्या है। तो समझिए पहले बैच को, अगर आप पहले बैच में आ रहे हैं तो आपको फ्री कंसल्टेशन आकाश जी से मिलेगी, यानी कि ज्योतिष आप बनेंगे, बिल्कुल बिगनर्स होंगे, आप सीख रहे होंगे क ख ग, तो आपके लिए ये कोर्स है और बहुत मजा आएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल चीजें आकाश जी बताते हैं, उनका तरीका बताने का समझाने का ही इतना अच्छा है कि आधी एस्ट्रोलॉजी तो मैं ही सीख गया हूँ साथ में करते करते। तो ये आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और जो कंसल्टेशन आकाश जी से चाहते हैं उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि स्क्रीन पे हमारी डिटेल्स होती है हमेशा, मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप संपर्क करें, और संपर्क करने के बाद आप उस पर अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं और आप आकाश जी के साथ पर्सनल कंसल्टेशन पाएंगे। और हमारी वेबसाइट भी है जो कि परिवार की वेबसाइट है, जाइए सारे परिवार वाले एक बार देखें तो सही क्या बना है, और अपना सजेशन दीजिए अगर कुछ चेंजेस है, उसमें सारी डिटेल्स है, www.acs.ca, उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं आकाश जी से कंसल्टेशन। तो परिवार के सहयोग से, आशीर्वाद से, हम 2 लोगों की टीम, काफिला बढ़ता जा रहा है, टीम में हमारे मेंबर्स भी बढ़ गए हैं, एडिटर्स, ग्राफिक्स वाले, जो बच्चे फोन सुनते हैं, जो अपॉइंटमेंट देते हैं, उसके अलावा 27,000 का ये परिवार जिसमें बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, बहन, भाई सब है। तो मैं सच कहूं आकाश जी ने सही काम मिले भले ही नहीं है, कभी आपके आशीर्वाद हमारे तक पहुंचते हैं और वो दिखाता है कि हम आगे, बहुत शुक्रिया। ऐसे ही आप बस यहीं से आशीर्वाद दे देंगे तो आपकी ब्लेसिंग्स हमें मिल जाती है। बाकी मुंबई आकाश जी आ रहे हैं अगस्त के फर्स्ट वीक में, जो मिलना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि आप इस व्हाट्सएप नंबर या मेल आईडी पे संपर्क करें और आप रूबरू होके मिल भी सकते हैं। अभी भारत में कहीं और की योजना नहीं है, क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स कि उनका शेड्यूल क्या बनता है, लेकिन भारत और दुबई, 2 जगह के लोग अगर ये देख रहे हैं वीडियो तो उनके मिलने की अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगस्त में ही दुबई में भी आ रहे हैं। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, नमस्कार, धन्यवाद, खासकर परिवार का हिस्सा बनने के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, और सभी हमारे भाई बहन बुजुर्ग जितना देख रहे हैं उसको तो शेयर जरूर करें, अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दें, सभी रिश्तेदार देख लें ना कि उनके राहु को उनके लिए क्या लेके आ रहे हैं, और फिर वो उपाय वाला वीडियो भी ला रहे हैं, तो शेयर जरूर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चलिए अब बाकी 2 हमारे जो लगन बच्चे हैं उनका इंतजार भी खत्म करें, आज वीडियो लंबा जरूर हुआ है, पर क्या करें आपके साथ बातें करते करते समय का पता ही नहीं चलते, यही आपका।